Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. एवरीवन सो so, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि तीज पे आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं तो यहाँ पे जो भी टोनर आपके पास अवेलेबल हो आप उससे अपने फेस को टोन कर लीजिए मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स का टोनर यूज़ किया हुआ है उसके बाद मैं सीरम अप्लाई करने जा रही हूँ और ये भी गुड वाइब्स का ही सीरम है अगर आपके पास सीरम नहीं है तो आप बना सकते हैं मेरा डी सीरम मैंने बना के रखा हुआ है आप उसका वीडियो ज़रूर देख सकते हैं साथ ही अगर टोनर भी बनाना हो तो आप देख सकते हैं उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगा लेना है मॉइस्चराइजर आपके फेस को बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड होने के लिए एक बेस प्रोवाइड करेगा आपके फेस पे यहाँ पे मैंने फिटमी का फाउंडेशन लिया है आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं डॉट डॉट मोशन में आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है नेक एरियाज़ को यानी कि गले को बिल्कुल भी ना भूलें नहीं तो बहुत ही अन दिखता है उसके बाद जो भी ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो आप अपने हाथों से भी ब्लेंड कर सकते हैं यहाँ पे मैंने कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसको मैं डाप डाप करके अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ आपको बहुत अच्छे से इवेनली ब्लेंड करना है हर जगह ताकि एक अच्छा सा स्मूथ दिखाई दे टेक्सचर उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का फिटमी कंसीलर लिया है सॉरी मैं दिखा नहीं पाई मुझे याद नहीं रहा और जो भी आपके हाई पॉइंट्स है वहाँ पर आप जो भी कंसील करने वाले पॉइंट्स है वहाँ पर आप कंसीलर को अप्लाई कर दीजिए जैसे देख सकते हैं ब्रिज ऑफ द नोज आइज़ के ऊपर और फॉरड के ऊपर और उसके बाद अच्छे से आप ब्लेंड कर लें अच्छा कंसीलर है बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है और साथ ही साथ कंसील भी कर देता है यानी छुपा देता है आपके डार्क सर्कल्स को और जो हाई एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको एक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देता है उसके बाद मैंने लैकमे का रोज़ पाउडर लिया है एज ए लूज़ पाउडर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ आपके पास जो भी लूज़ पाउडर हो पॉन्ट्स का आ या फिर जो भी वाइट टोन उसको आप लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं उसके बाद मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है और यहाँ पे हुडा ब्यूटी पैलेट से ही मैंने डार्क शेड पिक किया है यानी कि ब्लैक और उसके बाद मैं अपने आईब्रोज को फिल कर ली हूँ और उसके बाद स्पूली की हेल्प से मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ रोडा का यहाँ पे आई पैलेट लिया है और कायली के ब्रशेज हैं ये और एक लाइट सा पिंक शेड लेकर के मैं ऊपर की तरफ क्रीज एरिया पर बिल्ड कर रही हूँ और उसके बाद मैंने ये डार्क रेड शेड लिया है बिकॉज मेरा जो कुर्ता है वो रेड कलर का है तो मैं थोड़ा सा रेड ही बेस प्रोवाइड कर रही हूँ अपने आईज को रेड एंड गोल्डन है तो मैं इस तरीके से आ, अच्छे से बिल्ड करके एक अच्छा शेप बना करके और नीचे जो थोड़ा बहुत कलर उसमें बचा था उसी से मैंने कर लिया और दोनों ही आईज पे देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने डार्क कलर शेड एड ऑन करने के लिए ब्लैक थोड़ा सा मैंने एंड पे अप्लाई किया और उसके बाद गोल्डन जो है ये मैं बीच में अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज़ रेड एंड गोल्डन का जो टच है मेरे सूट में वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो आइज़ के ऊपर भी उसके बाद मैंने लैक में का ये आईलाइनर लिया है और मैं एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ विंग जो है वो थोड़ा सा आपको स्मूथली ड्रॉ करना पड़ता है बट हाँ इस इंस्टा लाइनर जो ये है लिक्विड आई लाइनर ये काफ़ी परफेक्टली बिल्कुल आपका आई लाइनर जो है वो अप्लाई हो जाता है उसके बाद मैंने नीचे भी आई लाइनर ही लगा लिया बट अपने टीयर डक पे नहीं लगाया है नीचे लगाया उसके बाद मैंने ये पर्पल का कंट्रोल लिया है और अपने फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए मैंने हर जगह कंट्रोलिंग कर ली जहाँ पर देख सकते हैं नोज़ के पास उसके बाद इस तरीके से जहाँ भी कंट्रोल है वहां वहां पे आप कंटोर कर सकते हैं और उसके बाद ब्लेंड कर लीजिए क्रीम कौन है इसका भी आ, मैंने जो रिव्यू है वो प्रोवाइड किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें वेट ब्यूटी ब्लेंडर जो है उसी से कर लें उसके बाद मैंने यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन का फेस पैलेट लिया है इसमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं ब्रॉन्जर ब्लशर और हाईलाइटर तो जहाँ पर आपने वो लगाया था कंट्रोलिंग की थी वहीं पर आप ब्रॉन्जिंग कर लें और उसके ऊपर आप ब्लशर अप्लाई करें जैसा कि मैंने किया है और उसके बाद आप हाईलाइटर ये देखिए हाई बीच में शेड है फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ ब्रिज ऑफ द नोज पे उसके बाद अपने फॉरहेड पे अप्लाई कर लें चिक पे अप्लाई कर लें क्यूपिड बो पे अप्लाई कर लें चीन एरियाज पे अप्लाई कर लें ताकि आपके फेस को बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो मिले और ये ना लगे कि आपने बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ है या मेकअप की लेयर्स लगाई हैं आईब्रोज़ के नीचे हाईलाइट लगाना बहुत ज़रूरी होता है जैसा मैंने फिंगर की हेल्प से ही लगाया काफ़ी अच्छे से लग जाता है और बहुत प्यारा लुक आता है खुडा ब्यूटी का ये लिक्विड लिपस्टिक लिया है मैंने रेड शेड है इसका रेड एडिशन में चार लिपस्टिक आ जाती हैं आपको और यही मैंने लिया अमेजोन से आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं बहुत प्यारा है लैक्मे का काजल लिया मैंने जो अंडर आई मतलब एरिया है इज का वहाँ पे मैंने लगाया और वेट एंड का मेकअप फिक्सर से मैंने पूरे मेकअप को सेट कर दिया है तो ये उसके बाद मैं मैंने फिर से उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करा दिया है स्किन में और ये मैंने पैक के लैशेज़ लिए हैं जिनको मैंने अप्लाई कर लिया है ग्लू के साथ और ये मेबलिन का ही आ, मस्कारा है जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो बिल्कुल फिनिश हो गया है देख सकते हैं चूड़ियाँ पहन ले रही हूँ मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लिया है और बस ज्वेलरी पहन ली है ज्वेलरी का भी रिव्यू आपको देखने को मिल जाएगा लिंक दे दूँगी ज़रूर देखिएगा चूड़ियाँ तो मैंने ऑफलाइन ही लिया हुआ है और ये जो सूट है ना इसका भी रिव्यू आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही प्रोवाइडेड है तो आप इसे भी ज़रूर देखिएगा मिट्टा पे भी है और फ्लिपकार्ट पे भी है जहाँ भी आपको मिल जाए वहाँ से आप ले सकते हैं ओके देन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा बाय फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे मैं तब तक